हेलो दोस्तों, अभी हम गया में हैं और हमारे पीछे आप जो ये देख रहे हैं मंदिर का आंगन, ये अच्छे बात है जहाँ पिंडदान होता है। और ये मंगला गौरी माता का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है जिधर से हम जा रहे हैं। इस तरीके से गया में आप आएंगे मारनपुर की जगह पे, ये मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। पहाड़ों के ऊपर देखिए कैसे काम किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए मंगला गौरी और जनार्दन टेंपल, काफी भीड़ है आज तो। आज ट्यूसडे इसलिए काफी भीड़ है यहाँ। मंदिर प्रांगण में लगभग हम पहुंच चुके हैं। ये प्रसाद दुकान है, बैठने के लिए सुविधा भी बनाई जा रही है यहाँ पे। ये पीछे की तरफ से रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ आसान से आ जाती है, पार्किंग की सुविधा, इसलिए लोग ज़्यादा इधर से आते हैं। प्रसाद लेना है ना, ऊपर मिलेगा। ये मंदिर प्रांगण है। देखिए आज तो काफी भीड़ है, गेट बंद है। इतनी आसानी से दर्शन हो जाए, ऐसे भी क्या दर्शन, यहीं से लाइन है आज तो। प्रसाद ले लो यहाँ से। कौन से लेंगे? गाड़ी में बंद लेंगे, कोई भी लो, कोई भी दे दीजिए। वो दे रहे वो मतलब क्या हुआ रखा हुआ था? अच्छा, इसमें आप कुछ ये नहीं, अंदर दिया जड़ उसमें डालने के लिए। बहुत भीड़ है आज, 10 मिनट में सिर्फ 4 कदम आगे बढ़े हैं। अभी हमें ऐसे घूम के ऐसे जाना है, फिर उसके अंदर जाना है, फिर प्रवेश द्वार में घुसना है। काफी भीड़ है यार, बहुत भीड़ है।
फाइनली भाई साहब 5.5 घंटे के बाद दर्शन करके बाहर निकलते हुए, जहाँ से प्रसाद लिया था उसे पैसे दे देते हैं। चप्पल बचा हुआ है? हाँ है। कहाँ जाएगा, माता रानी की। तो ये है भाई मंगला गौरी मंदिर। 5.5 घंटे लग गए दर्शन करने में। अंदर मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए माता का दर्शन करा नहीं सका आप लोगों को, लेकिन माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय माता दी। एक रास्ता ये भी है एंट्री का। सुबह के 9 बजे से लाइन में लगने के बाद अभी 12:30 बजने को है और मंदिर में अभी आरती के लिए दर्शन रोक दिया गया है। हम अभी तक यहीं पहुंचे हैं। लोग थक हार के बैठ गए हैं। देखिए निधि भी बैठ गई है बेचारी।